ऑफिस में फोटोशूट करने के लिए सोची तो सैनिटाइजर नहीं लगती, इसलिए इस पानी से काम चलाना पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ हैशटैग एक्सप्लोर विद बुलबुल। और मैं अभी अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। हम लोग आज सुबह सुबह ऐसे ही बोले कि साइकिलिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इसलिए हम लोग मिलने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। गाइज, हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा कर लिए हैं, तो अभी हम आगे जाने वाले हैं और घूमने के लिए जाने वाले हैं थोड़ा सा। गाइज, मैं साइकिल पूरा चला के इधर आई हूँ, तो देखिए कि रास्ते में ऐसे नली टाइप के थे, जो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोग इसमें फ़ोटोशूट करते रहते हैं, तो मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा फ़ोटोशूट कर लूँ इसमें, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटोशूट कर लिया। मेरी दोस्त भी आ चुकी है, वो वहाँ पर देख रही है, वो बोली कि वो वीडियो में नहीं आएगी, इसलिए उसे नहीं ला रही। तो गाइस, फिर हम दोनों आगे चले गए साइकिलिंग करते हुए, और रास्ता भी पूरा खाली खाली था क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था साइकिल चलाने में, बहुत दिनों के बाद साइकिल चला रही थी। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू, बहुत ही सुंदर जगह है उस, मतलब जिस और हम गए थे वो जगह ही बहुत सुंदर है, क्योंकि साइड में फील्ड्स वगैरह हैं और पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, मुझे प्यार हो गया उस जगह से। मतलब वैसे तो मैं जाती रहती हूँ उस साइड, उस रास्ते में, लेकिन जब सुबह के टाइम गई थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो गाइस, बहुत थक चुकी थी, अभी हम लोग एक जगह पे बैठे हैं रास्ते के साइड पे ही, तो हम लोग बिस्किट भी लेके आए थे और पानी भी साथ में, तो अभी बैठ के यहाँ पर खाने वाली हूँ। सैनिटाइजर नहीं लाई थी, इसीलिए इस पानी से काम चलाना पड़ता। रास्ते का नज़ारा एंजॉय करते करते खा रहे हैं, और जो खाऊँ दुकान में मिलता है यम्मी बोल के। ये मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए है, अंदर है ये आप लोगों के लिए। आप लोगों के खाने खाने के मैंने टचमी और प्लांट देखा। अगर मेरा सेकंड वीडियो कोई देखा होगा तो वहाँ पे मैं टचमी प्लांट के साथ खेल रही थी, तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये इस जगह पे है। अगर मैं दिखा, रास्ता साइड का व्यू पूरा एंजॉय करते करते मैं खाना खा के डांस भी करने लग गई थी। मतलब मैं अपने ही धुन पे पूरा मगन थी। मेरी दोस्त बोली कि थोड़ा डांस भी अच्छे से कर ले, पानी पानी वाला, तो मैंने थोड़ा डांस भी कर लिया वहाँ पे बैठ के, तो वो बोली कि एंटरटेन भी कर दे लोगों को। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, और स्पेशली ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वो भाग जाएगा। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है जो, और मुझे स्पेशली हर सबको ही मतलब बटरफ्लाई अच्छे लगते हैं, लेकिन इस स्टेज पे अच्छे लगते हैं। जब वो कैटरपिलर की स्टेज में आते होते हैं ना, तो कोई इतना पसंद नहीं करता, लेकिन जो सुंदर सुंदर कैटरपिलर होते हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं लोग। वाव, Thank you.
वो वहाँ पे ही बैठा है, वो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मैं उसे पकड़ूंगी नहीं, नहीं तो उसका अगर पंख वंख टूट जाएगा ना तो बुरा लगेगा ज़्यादा मुझे। और ये देखिए बहुत सारे शायद यहाँ पे हैं, उनका घर कुछ शायद बहुत सारे हैं यहाँ पे। जहाँ पे मैं बैठी थी उसी के साइड में एक छोटा सा फील्ड था, तो मेरा मॉर्निंग वॉक भी वहाँ पे हो गया। मैं पूरा एक राउंड लगा दी चक्कर पूरा उस फील्ड का, बहुत अच्छा लग रहा था वो जगह, क्योंकि पूरा वहाँ पे शांति था ना, कहीं दूर दूर तक घर वगैरह कुछ नहीं थे और रास्ता साइड का ही था नज़ारा पूरा। मैं अपने ही मतलब दौड़ रही थी, खेल रही थी, पता नहीं मैं वहाँ पे क्या कर रही थी, लेकिन मेरी दोस्त वो वीडियो बना चुकी थी, मुझे पता भी नहीं था कि वो वीडियो बन रहा है, लेकिन वो बना ली, तो मैं सोची कि वो फुटेज भी इस वीडियो में डाल दूँ। सो गाइज, मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा बाहर के व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ अभी, क्योंकि कोरोना का सिचुएशन ओडिशा में बहुत ही बुरा था और मैं घर से ज़्यादा नहीं निकल रही थी, और आज ही निकली हूँ, और मेरी दोस्त से भी मैं एक महीने हो चुका है मैं नहीं मिली थी, और हम लोग ऐसे ही साइकिलिंग करते करते बहुत दूर तक आ चुके हैं, अभी वहीं पर भी हैं, जाने का मन नहीं कर रहा है घर को, क्योंकि मतलब जो कोरोना का स्ट्रेस रहता है ना घर पे, कि फाइनेंशियली भी हम लोग मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे, खुद के लिए तो टाइम मतलब खुद को शांति देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे ये जगह, क्योंकि इस जगह आप देख सकते हैं मेरा पीछे का देखिए एरिया बहुत ही अच्छा है, और मैं भी होप करती हूँ कि आप सभी का सिचुएशंस जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से लड़ रहे हैं तो वो जल्दी से ठीक हो जाएं, कोरोना हमारा देश पूरा छोड़ के चला जाए, देश क्या पूरा वर्ल्ड छोड़ के चला जाए। यही होप करती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, तो मैं पहले जैसे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख के दिखाऊँगी, ला के दिखाऊँगी, अच्छे अच्छे जगह जाऊँगी। बहुत सारे प्लानिंग्स अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं कि मुझे जाना था वो जगह, लेकिन मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन ट्राई कर रही हूँ, अगर हो सका तो मैं ज़रूर आपको ये व्लॉग मतलब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आगे ले कर आऊँगी। आई होप कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। सो और ये देखिए गाइस, हम लोग एक तालाब के पास आए हैं, रास्ते में ही पड़ा, तो इसे मुंशीबंध भी बोलते हैं, और वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं पहली बार आई ना, तो मुझे लगा कि यहाँ का शॉर्टकट यही है। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा तालाब है, मतलब ऐसे बांध की टाइप का है। देखिए मैं पानी के पास पहुँच गई, बहुत ही सुंदर है, मतलब मैं पहले एक बार ही आई थी, लेकिन अभी सेकेंड टाइम आई हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ज़्यादा मतलब ये इतना काम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बन गई हैं अभी, लेकिन मुझे लगा यही शॉर्टकट है तो मैं इसे यहाँ पे चली आई। यहाँ पे पत्थर भी है बैठने को, नहाने को, सॉरी। पानी के साथ खेलने में मज़ा ही कुछ और है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पानी के साथ खेलना, पूरे बच्चों की तरह।